अगली खबर का रुख करते हैं। नैनीताल में लगातार क्षतिग्रस्त हो रही लोअर मॉल रोड का 5 सदस्यीय एक्सपर्ट टीम ने निरीक्षण किया। आपदा प्रबंधन के अधिशासी निदेशक के नेतृत्व में गठित की गई समिति में जीएसआई, आईआईआरएस और सीबीआरआई रुड़की के वैज्ञानिक शामिल हैं। इस टीम ने मॉल रोड में भू कटाव की गहनता से जांच की और इसकी रिपोर्ट 7 दिन के भीतर शासन को भेजेगी। आपको बताते चले कि नैनीताल की शान कहीं जाने वाली लोअर मॉल रोड 18 अगस्त को नैनी झील में समा गई थी। कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्राउंड सब्सिडेंस हो रहा है और उसके विभिन्न कारण हैं कि कई बार ड्रॉडाउन की वजह से जैसे लेक का पानी कम होता है, उसके साथ डिप्रेशरिंग की वजह से हो सकता है, ऊपर की स्लोप में आपके जो पानी अंदर जा रहा है उसकी वजह से डिस्ट्रेसिंग हो सकता है, तो उस सब का निरीक्षण करा जा रहा है, उसके बाद शासन को आख्या दी जाए।